हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड कैंडिडेट्स के पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम यानी पीसीपी स्टडी सेंटर असाइनमेंट जमा करने और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जिनका स्टडी सेंटर 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में मिला है, वो लोग चिंता नहीं करें। ऐसे लोग जिला शिक्षा अधिकारी से डाइड सेंटर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ पर जाकर संपर्क करें। तो NIOS ने भी आपके स्टडी सेंटर में चेंजेस किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्यस्थल के बहुत नज़दीक स्टडी सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट अपने स्टडी सेंटर पर ले जाना है, उसके बारे में हम आपको बता दें। आपको अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10वीं की 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके साथ आपका अपॉइंटमेंट लेटर, प्राचार्य का सहमति पत्र और इन्हीं के दो सेट, और साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण चीज जो ले जाना है, वो आपका जो वेतन पत्रक होता है, वो आपका प्रूफ बनेगा कि आप उस विद्यालय के ही शिक्षक हैं। अगली बात स्टडी सेंटर के लिए, जब आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद में आपने जो असाइनमेंट तैयार करे हैं, वो असाइनमेंट आपको वहाँ सबमिट करना है स्टडी सेंटर पर। इसके लिए आप NIOS कोऑर्डिनेटर जो आपके स्टडी सेंटर पर बनाए गए हैं, उनसे संपर्क करें। वहाँ पर ही आपके असाइनमेंट जमा होंगे और उनकी जाँच और इसके साथ में मूल्यांकन का कार्य भी किया जाना है। पीसीपी में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, किस तरीके से आप क्लास में खड़े रहें, कितने एंगल का कोण बनना चाहिए कि आप और बोर्ड के बीच में, ताकि बच्चा बोर्ड पर लिखी हुई सारी सामग्री को देख पाए। साथ ही जो एक सामान्य सी परेशानी होती है, चौक फेंक कर बच्चे को मारा जाना, ऐसी अप्रत्याशित चीज़ों को रोकने के लिए ही ये पीसीपी आयोजित हो रही है। इसके अलावा अलग अलग शिक्षा स्तर पे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या शिक्षण की विधियाँ होंगी, अधिगम विधियों को बारे में आपको उस स्टडी सेंटर पर सिखाया जाएगा। एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो DTH जिस पर आप स्वयं चैनल देख रहे हैं, उस DTH का सीरियल नंबर आपको अपनी प्रोफाइल के साथ अपडेट करना है। याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम आपको नीचे एक लिंक देंगे, जिसको आप क्लिक करके ये देखें कि किस तरीके से आपको अपडेट करना है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई सूचना चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट वाले सेक्शन में जाएं और वहां अपनी समस्या को लिखें, हम आपको बराबर फीडबैक देंगे। साथ ही आप इंटरनेट से जुड़े रहें, इस स्मार्टफोन का जितना आप उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह की परेशानी में आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये सिचुएशन MP स्टेट के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है, अलग अलग स्टेट्स के लिए क्या चीज़ है, उसके लिए आप अपने डाइट सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।